उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 20 मई को रुद्रप्रयाग समेत उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, तेज बारिश हो सकती है और झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। इस अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन चार धाम यात्रा को लेकर और भी सतर्क हो गया है। दरअसल रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ, द्वितीय केदार मद्महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ की यात्रा संचालित हो रही है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो तुंगनाथ धाम में 800 से 1000 के करीब तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मद्महेश्वर धाम की यात्रा 19 मई से शुरू हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद आपदा की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। यहाँ समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं जिस कारण यहाँ भारी नुकसान पहुँचता है। जी हाँ, आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी के लिए उच्चतम स्तर बनाए रखने के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के कारण यदि कहीं मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसी के अनुसार यात्रा संचालन के लिए प्लानिंग भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।